हम कहेंगे इंटेलिजेंस ने जब सब कुछ बता दिया था तो सरकार क्यों सो रही थी। हालांकि ये समय किसी क्रिटिसिज्म का नहीं है, ना ही कोई उंगली उठाने का समय है, क्योंकि 40 या 42 लोगों ने अपनी शहादत दी है। इस समय सब देश पक्ष और विपक्ष एक है, परंतु आने वाले समय में ये उंगलियां सत्ता पक्ष के ऊपर उठाई जाएंगी कि इतनी लापरवाही क्यों बरती गई, वो RDX की कार भरी हुई इतना सारा विस्फोटक कहाँ से आया, और जब वो उस सड़क पर लगभग 2500 CRPF के जवान वहाँ से पास हो रहे थे तो उनको एयर प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया, हेलीकॉप्टर से वो क्यों नहीं उनकी सुरक्षा की गई, और उसमें एक बस जो थी वो उसमें उस तरह का वो भी नहीं था कि वो इन सब क्या कहते हैं उसे वो एंटी बम एंटी ब्लास्ट वाली व्यवस्था उस बस में क्यों नहीं थी। आतंकवादियों को कैसे पता लगा कि उस बस में ही ऐसी एक जवान बैठे हैं जिसे आसानी से उड़ाया जा सकता है। वो कार काफ़ी देर तक क्यों चलती रही, ऐसा भी संज्ञान में आया है कि 3-5 मिनट तक वो RDX से भरी हुई कार उस काफले के साथ चलती रही। तो सुरक्षा में चूक तो है, परंतु इस समय में देश एक है और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इसमें कतई भी विलंब ना हो, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं और अभी ऐसी कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। या विरोध में बोलना तो लोग सभी पसंद करेंगे पाकिस्तान के, परंतु यदि ऐसे समय में पक्ष में बोला जाता है तो वो निंदनीय है। क्यों आखिर BJP क्यों सहन कर रही है ऐसे लोगों को, अब बताइए। अब मैंने कहा ना, ये समय मैं कुछ दिनों बाद जब आऊँगा तब बात करूँगा, बातें तो बहुत कुछ है करने को, ये स्थिति नहीं आती यदि सरकार थोड़ी भी गंभीर होती। BJP सांसद नेपाल सिंह का कहना था कि सैनिक तो मरने के लिए मरे, क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, इस तरह का बयान एक मंत्री स्तर के व्यक्ति को शोभा नहीं देता।